क्या है माननीय योगी जी सरकार का सपना है, माननीय योगी जी का सपना है कि सभी बच्चों को समय से वस्त्र मिल जाए, समय से झोले मिल जाएं, समय से जूते मोजे मिल जाएं और जो समूह है लोकल का उसको रोजगार मिल जाए, यानी उसी के द्वारा निर्माण हो, ऐसा करके यहाँ पर आज प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आज हुआ है, उसी का वितरण था यहाँ पर और वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण। और इसलिए वन भी महत्वपूर्ण है, बिना वन का जीवन नहीं है, और वन के द्वारा एक एक बूंद पानी मिलता है, इसलिए ये भी आवश्यक है वृक्षारोपण का अभियान चलना चाहिए और बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आज ड्रेस यूनिफॉर्म की तरह। अच्छा, मदरसों को लेकर भी अभी ड्रेस कोड जारी किया जा रहा है, सरकार ने ऐसा तय किया है, तो क्या है उनका ड्रेस कोड, किस तरह से क्या सरकार? ऐसा कोई निर्णय तो है नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं, ना कैबिनेट का ना कोई निर्णय, ऐसा कुछ नहीं। केवल बच्चों को, प्राथमिक बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें किसी धर्म के हों, और सभी बच्चों को ड्रेस और यूनिफॉर्म का वितरण। देखिए क्या है विषय नहीं, देखिए धीरे धीरे उन समस्याओं का समाधान करना, हमारी नीयत भी ठीक है, नीति भी ठीक है, उस समस्या का समाधान करना है और मेन है कि बच्चों को यूनिफॉर्म समय से पहुंचे, इसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं। एक मंत्री सवाल था कि पोस्टमास्टर हाउस शहर का बिल्कुल आबादी क्षेत्र में आ गया है। योगी जी का सपना है कि गांव का विकास हो, गांव का कल्याण हो, गांव ऐसा गांव हो जिसमें गरीब खुशहाल हो, उसको छत मिल जाए, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तक मिल जाए और स्वास्थ्य बीमा से उसको इलाज के लिए फ्री दवा मिल जाए, यानी शिक्षा चिकित्सा ये सभी व्यवस्था गाँव को, और छत और भरपेट भोजन, इसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। योगी जी का सपना है गरीबों का कल्याण करना और गरीबों के लिए जीना और गरीबों के लिए मरना, एक एक गांव का विकास करना। सुंदर गांव।